नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन। हमेशा दिव्यांगता के बारे में अपडेट देते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेंशन के ऊपर है, दिव्यांगजनों की पेंशन। जो 27 दिसंबर 2023 को एक लेटर इशू हुआ पेंशन उपभोक्ताओं के लिए, जो डिफेंस में है, नॉर्मली है, LMLC हैं, उन सब के लिए ये लेटर इशू हुआ है। और ये 14/12/2009 को एक लेटर इशू हुआ था उसके लिए है। इसमें मेन तो उन्होंने यही कहा है कि जो भी LMC है उनको 20% से कम डिसेबिलिटी होती है या दिव्यांगता होती है किसी भी प्रकार की, चाहे वो आर्मी में वार के दौरान हो या एक्सीडेंटल हो या किसी अन्य बीमारी की वजह से हो, तो उनको जो 20 से कम है उनको पेंशन नहीं लगेगी। यानी कि 20% कम है तो उनकी पेंशन नहीं लगेगा। तो इसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से 27 दिसंबर 2023 को ये इशू हुआ है लेटर। और इस लेटर में सिविल को केयर किया गया, एयर को, नेवल को, आर्मी, डिफेंस को, इन सभी आर्मीज़ को इसमें डिफाइंड किया गया है कि इन सब में अगर इस तरह की किसी भी पर्सन को पेंशन लगती है और उनकी डिसेबिलिटी 20% से कम है तो वो पेंशन नहीं लगेगी डिसेबिलिटी वाली। उनकी नॉर्मल पेंशन तो लगेगी लेकिन डिसेबिलिटी वाली नहीं लगेगी इस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये 27 दिसंबर 2023 को इन्होंने लेटर इशू कर दिया है, रिमेंबर कर दिया है, सभी डिपार्टमेंट में भेज चुके हैं ये लेटर्स। अब जब भी कोई डिफेंस का या कोई आर्मी का होगा तो उसका हम बता दें कि कैसे इनका होगा डिसेबिलिटी। देखिए, लेस देन 50% वालों को मिलेगा आपको 50% डिसेबिलिटी, मेडिकल बोर्ड देता है तब भी आपको पेंशन मिलेगा। बिटवीन 50% and 75% है तो आपको तब भी पेंशन्स मिलेगा। और बिटवीन 70% and 100% है तो मिलना ही है आपको। इसके अलावा अगर आपको 20% से नीचे की डिसेबिलिटी है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा। तो इस लेटर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, आपको बता रहे हैं कि ये लेटर 3 फरवरी 2000 को इशू हुआ था उस। तो दोस्तों देखिए, ये दिव्यांगजन के लिए सबसे इम्प्लीमेंट है और सिविल में भी यही इन्होंने क्राइटेरिया लागू किया गया है। और जो सिविल्स एंड मिलिट्री के लिए है या नेवल के लिए है, ये सभी के लिए सेम क्राइटेरिया रखा गया है कि अप टू 15 को ही डिसेबिलिटी में काउंट किया जाता था, अप टू 15 to 75 में किया जाता था, 75 to 100 में इन्हीं लोगों को डिसेबिलिटी पेंशन योजना का लाभ मिलता था। तो दोस्तों, अब इन्होंने जो किया है 31/1/2000 के लेटर को इन्होंने एक चेंजेस किए हैं। तो बता दें कि आपका अगर डिसेबिलिटी 20% से नीचे है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा। तो पेंशन चेक किसी भी वजह से आपकी डिसेबिलिटी हुई होगी तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। जिनके पास 25% या 20 से अबव डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होगा मेडिकल बोर्ड की अथॉरिटी के थ्रू से, तो उनको मिलेगा। और इसमें एक्सीडेंटल केस और मेडिकल अथॉरिटीज और इसके साथ ही आपको मिलेंगे जो आपका वार के जरिए जो डिसेबिलिटी हुई है उसके अंडर आपको कवर किया जाएगा। और आपको 20% अबव डिसेबिलिटी वालों को के ऊपर अप्लाई होगा और उनको पेंशन्स मिलेगी। यानी कि लेस देन 20 को नहीं मिलेगा, अबव 20 होगा तो उनको मिलेगा। तो डिपार्टमेंट ने ये इतना बड़ा कदम उठाया है आर्मी पर्सन के लिए और मेडिकल बोर्ड की तरफ से। तो इन्होंने क्लियर ही इसमें कह दिया गया है कि आप देख सकते हैं लेटर में कि इन्होंने क्लियर बिल्कुल लिखा हुआ है कि 20% लेस के पेंशन नहीं मिलेगा और 20% अबव होगा तो आपको पेंशन्स मिलेगा। तो इसके साथ ही इन्होंने डिसेबिलिटी को भी डिफाइंड कर दिया है कि डिसेबिलिटी कौन कौन सी होनी चाहिए, दिव्यांगता कौन कौन सी होनी चाहिए, इसमें LMC होगी तो कैसी होगी, तो इसके बारे में भी पूरी जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके। इसके साथ ही डॉक्टर अमन, धन्यवाद।